पांच में से कितना स्टार? अरे मेरी क्या औकात है यार स्टार देने की। बहुत सड़े आराम से सड़ेली पिक्चर है शाहरुख। पूछो ना आप, मैं बता रहा हूँ। वो जो करा ना, बहुत गंदा काम किया उसने। जो एक गरीब को छोड़ के जो भागता है ना आमिर के पीछे, बहुत गंदी। सलमान खान दोनों गाने में तो बहुत कड़क लगा। सलमान आया कर बस मजा आया। हाँ एक भी नहीं दूंगा मैं। हाँ अच्छी एक नंबर है। अच्छा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है भाई, अच्छी है भाई, सुपर। जीरो कैसी है? वेरी बोरिंग। द थिंग इज कि फिल्म में कुछ लॉजिक ही नहीं था। कुछ एंड में थोड़ा बहुत क्लाइमैक्स में थोड़ा बहुत दम दिखाने की कोशिश किया। SRK ने तो बहुत डेडिकेशन, बहुत सिंसियरिटी डाली है फिल्म में। उसने अपनी जान लगा दी है। तो इतने बड़े एक्टर जो इतना जान लगा के काम करते हैं, उनको ऐसे स्क्रिप्ट में देखना अच्छा नहीं लगता। हाँ वो सॉन्ग में मज़ा आया, बट कैसे वो भी ज़रा इल टाइम था। वो क्यों वहाँ पे गया कुछ समझ में नहीं आया। और अजय अतुल का म्यूजिक भी चुराया चुराया सा ही लग रहा था। हाँ लेकिन उन लोगों को लाया ही क्यों? मतलब वो है फिल्म में एक दो सेकंड के लिए, वो अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम हमने उनको स्क्रीन पे देखा, बट वो भी क्यों लाया ऐसे बिना वजह सब स्टार्स को लाया ऐसे लगा। नहीं एक्चुअली क्या है कि गेटी का मतलब ये थिएटर का क्राउड इतना जानदार था कि फिल्म में ऐसे मैं उठ के नहीं गई। हाँ मतलब वी नीड गुड स्क्रिप्ट्स, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। फिल्म में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। क्लाइमैक्स में थोड़ा मतलब बहुत इलॉजिकल स्क्रिप्ट यहाँ से उठा के वहाँ पे। हार्डली 2 स्टार्स, बट शाहरुख खान के लिए 5 फुल 6 10। अच्छी थी। द थिंग दैट वो NRCL में जो गए ना वो रिटर्न आइट वॉज द बेस्ट थिंग। थैंक यू। एक नंबर पिक्चर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी। शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत स्टोरी, बहुत अच्छी एक्टिंग। शाहरुख खान बैक। मूवी अच्छी थी। फिल्म तो इतनी अच्छी थी क्योंकि उसकी हाइट कम थी। शाहरुख खान ऐसे लगा नहीं था कि हाइट नहीं कम होगा, मगर जो फिल्म जो नासा से बनाया था, फिल्म जो नासा हमको पहली बार देखने मिला, ये बहुत अच्छी फिल्म थी। नासा से ऊपर बनाया। थैंक यू। मस्त था, गजब। शाहरुख खान ने क्या एक्टिंग की। फिर भी मचा दिया, खूब मचा दिया। इस बार थोड़ा हटके रोल था शाहरुख का, लेकिन काफी अच्छी एक्टिंग थी। मस्त सीन था वो, सब नाच रहे थे थिएटर में, हल्ला मचा रहे थे, मस्त। बबीता कुमारी कैटरीना मस्त थी, गजब थी, कड़क लिख रही थी। आउट ऑफ 5 आई थिंक 3.5। ठीक है 3.5। भाई कैसे? तो भाई कैसा लगा दोनों भाई को? पहले तो गाने के बारे में बात करो। जब भाई की एंट्री, वही तो देखने आया था सबसे पहले कि इशकबाजी। दोनों का कैमियो होता है, दोनों का कैमियो। ट्यूबलाइट में भी इतना कुछ खास लगा नहीं। इधर गाना था, गाना धमाकेदार था, मजा आ गया गाना देख के, बट पिक्चर में दम नहीं है। बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन था आनंद एल राय से, शाहरुख खान से, किंग ऑफ रोमांस। वो तो एक बात है कि किंग ऑफ रोमांस रोमांस ही रहेंगे, किंग ऑफ रोमांस ही रहेंगे, कोई इनको टच नहीं कर पाएगा, बट स्टोरी में इतना दम नहीं है। सेकेंड हाफ इतना स्लो करते, पब्लिक बोर हो रही है अंदर। लेंदी बहुत है, एडिटिंग भी इतना कुछ खास लगा नहीं है। एंड म्यूजिक बहुत सही है, VFX बहुत सही है, बट स्टोरी बहुत डाउन है। आई डोंट पीपल इतना कुछ, पब्लिक को इतना कुछ मज़ा नहीं आएगा देख के। और क्लाइमैक्स इतना खींच लिया है, पब्लिक पागल हो गए। शाहरुख खान आई थिंक वो एक ही तो एक्टर है चैलेंज ही रोल करते जा रहे। फैन में भी एक अच्छा रोल किया था, अभी रावण में किया था, अभी इसमें कर दिया बौना बन के। जो लोग बौना लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन लोग को बहुत मजाक उड़ाते रहते, तो उन लोग के लिए अच्छी बात है।
पर लेकिन स्टोरी में इतना कुछ खास लगा नहीं। लास्ट में बहुत अच्छा लगा कि एक चीज़ बोलते शाहरुख खान की, लड़की तो मिली नहीं लेकिन देश का नाम रोशन करूँगा। मुझे लगा भाई का थोड़ा कुछ और होगा क्योंकि कटरीना कैफ भी है, तो भाई का एक छोटा सा और हो सकता था, लेकिन सिर्फ गाने के लिए रखा था बट तो होने पाए। अरे वही तो यार, मुझे लगा कि वो हो सकता तो और कुछ थोड़ा चेंज हो जाता बट, लेकिन अभय देओल तो कुछ खास लगे नहीं। आर मदन भी ठीक ठाक ही थे, आई थिंक डोंट कोई और को भी ले तो भी चल जाता, इतना कुछ ज़रूरी था नहीं। भाई के बर्थडे से पहले गिफ्ट तो मिल चुका है, कल ही ब्रेसलेट लॉन्च चुका है भाई का, तो वो एक गिफ्ट है। आई होप कि इस बार गैलेक्सी के बाहर आए, बर्थडे पे आते नहीं है, हमेशा पनवेल चले आते, इस बार आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। बेस्ट विशेज टू ऑल टू हिम, थैंक यू वेरी मच। कोई खास पिक्चर नहीं है, शाहरुख खान है पिक्चर में, शाहरुख खान का एक्टिंग है बस, और कुछ नहीं है। कैटरीना कैफ है, अनुष्का शर्मा है, सलमान खान भी है पिक्चर में, है सलमान खान भी एक गाने में जो डांस कर रहे हैं दोनों, गाने सारे अच्छे हैं, गाने सारे अच्छे हैं। हाँ, शाहरुख खान ने बोना का रोल किया, अच्छा किया है, अच्छा किया। तो और क्या मजा है आपको पिक्चर? बस शाहरुख खान के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पिक्चर, कोई खास नहीं है। पांच में से कितना स्टार देना चाहोगे? पांच में से तीन। वी लव्ड इट। I guess climax was really good. Second half, I love second half more than first half, and everything was good. Acting wise, everything was good. Yes, he's a draw, and he was very cute, and we loved him. It's something new for us to see in that kind of role, so we just loved him. We loved him. We love SRK. बहुत अच्छी थी मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्लाइम सेकंड हाफ बहुत बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जो लोग बोलते हैं बकवास था, उनको बोला अपना दिमाग बराबर करके आए। इट्स लाइक फायर, थिएटर इज ऑन फायर, एवरीथिंग विसल, एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाट वर दे आर डूइंग बट वी वर क्लैपिंग, वी वर डांसिंग। आई थिंक एसआरके एंड सलमान टुगेदर, दैट वाज लाइक ट्री का कंपेयर, जबरदस्त, बहुत मस्त गाना, सुपर। Yeah, she was there. She was for some time, and she was looking very beautiful. We loved it. बहुत सुंदर लग रही थी श्री देवी, बहुत ज़्यादा। She can't rate. She's not ready to rate it. I think 4, 4.5. We love you and we enjoyed it. आपने कुछ नया ट्राई किया, and your fans are always with you. We love you, बादशाह. We just love you. कुछ नया था मूवी में, हमेशा वही वही पिक्चर, किसी पिटी स्टोरी नहीं थी, कुछ नया था तो अच्छा लगा देख के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कैसी लगी पिक्चर? कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है पिक्चर में, ना ना कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई गाना नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे जबरदस्त ऐसे खींचा गया पिक्चर को। हाँ वो ठीक रहा, शाहरुख ने नाटा बन के काम किया उसका। अच्छा तीन नंबर, तीन थे। आपको क्या लगता है पिक्चर चलेगी? पिक्चर नहीं चलेगी ये अभी, क्योंकि कोई पिक्चर नहीं है 25 तारीख को। अगले हफ्ते की पिक्चर अच्छी होगी, अगले हफ्ते की पिक्चर सिम्बा। हाँ, शाहरुख खान को क्या कहना चाहोगे? शाहरुख खान को ठीक एक्टिंग की है उसने, नाटा अच्छा बना है। अच्छा, गलतियाँ होती है, शाहरुख खान भी इंसान ही है। एक फिल्म तो ऐसा बोल रहे कि हम लोग दोष दे दिए शाहरुख जी को, नहीं, और शाहरुख जी जैसे हमारा सुनी लेंगे। एक फिल्म फ्लॉप होने से कुछ नहीं होता है, ये सबको मालूम है। शाहरुख सलमान आमिर में सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर किसने दिए? जब शाहरुख का टाइम था तब आमिर और सलमान दोनों फ्लॉप थे। आमिर का टाइम अभी चालू है, 2-4 साल में, 2-3 इडियट्स के बाद। सलमान का टाइम कब चालू हुआ? वांटेड के बाद। उसके पहले सलमान की कौन सी हिट लास्ट हिट थी मेरे को बता दो। शाहरुख का टाइम है ना कब से चल रहा है? शाहरुख का भी 2-3 साल से ख़राब टाइम चल रहा है। मैं ये बोलता हूँ इस फिल्म से उनका कमबैक होगा। 2009 में वांटेड आई थी, 2007 में पार्टनर आई थी जो बहुत बड़ी हिट थी 2007 की। तेरे नाम आए थे, याद नहीं आती, तेरे नाम पब्लिक भूल चुकी है। तेरे नाम कोई भी एक्टर कर लो अगर अभी भी पार्ट टू बने देखते कौन देखने आता सलमान के अलावा। मैं बोल रहा हूँ 3-3 साल के बीच में एक हिट आती है सलमान खान की। तेरे नाम 2004 में आई थी, उसकी 2007 की बात कर रहे पार्टनर, उसमें भी गोविंदा है ना, वो है ना कॉमेडी किया उनने, बाप एक्टिंग की। उसके बाद आई थी मेरी गोल मारी गोल जो भी फिल्म थी, पता नहीं किसने देखी, वीर आई थी, किसने देखी मालूम। मैं सलमान खान को हेट नहीं करता, मैं उनको पसंद करता हूँ, ठीक है। 2010 में दबंग आई थी, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, जय हो, किक, बजरंगी बाजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है। अभी लाइनअप देख लो और अभी लाइनअप सुन लो कि आई थी रावण, फिर दिलवाले, फिर फैन, हैरी मेट सेजल और अभी जीरो, ठीक है। रईस भी आ गई थी, हाँ रईस भी आ गई। सलमान खान इज ओनली एक्टर टू गिव 13 बैक टू बैक 100 करोड़ मूवी, ट्यूबलाइट फ्लॉप, 300 करोड़,
रेस थी तो सुपर डुपर फ्लॉप, फिर भी 100 क्रॉस हुई। अगर शाहरुख खान पीछे फ्लॉप है तो 100 क्रॉस क्यों नहीं कर पा रही? वेयर द फैंस? अरे 100 का 100 करोड़ से कुछ नहीं होता, अरे 100 करोड़ से कुछ नहीं होता। अगर 200-250 करोड़ का बजट रखोगे आप, अगर आप 200-250 का अगर कमाओगी तो पता है कि लोगों ने पिक्चर देखी है। पिक्चर देखी नहीं होगी तो कमाई नहीं होगी। 100 करोड़ हुई थी, जय हो भी पिक्चर फ्लॉप थी, एक भी छुट्टी नहीं, 100 क्रॉस हुई, फैंस ने देखी थी। अच्छा ठीक है, अगर फैंस देखी तो 100 करोड़ होती, फैन मूवी फैन से देखी होती तो 100 क्रॉस होती। अरे ऐसा नहीं, वाले देखते तो 150 करोड़ होती। एक सेकंड मैं बोलता हूँ, जब हैरी मेट सेजल कब आई थी, नॉन नॉलेज डे पे, कोई फेस्टिवल नहीं था, जय हो भी नहीं आई थी। एक सेकंड, क्यों रिपब्लिक डे पे आई थी? 26 वाज अ संडे, यू कैन चेक द कैलेंडर। हां तो ठीक ना, रिपब्लिक पे आई थी, छुट्टी छुट्टी है, ठीक है। फिर आई थी फैन, दिन वाले क्रिसमस भी आई थी। हां ठीक है ना, लेकिन क्लैश था, सलमान खान का भी क्लैश करता है, शाहरुख हमेशा क्लैश करता है, किसी का डमी ने क्लैश करने के लिए। एक सेकंड, सलमान खान के पास गट्स नहीं क्लैश करने के बाद, शाहरुख के पास गट्स से क्लैश करने। सुल्तान रईस में क्या हो गया था? क्या हुआ था? रईस आई नहीं, आई नहीं, क्योंकि है ना 300 करोड़ भी कमा लिया, फिल्म पूरी बनी नहीं थी, तो फिर रिलीज क्यों की थी? बोला क्यों कहा ईद पे आएंगी? हाँ तो ऐसे सलमान खान भी काफी दावे करते 2019 में किक 2 आने वाली, आ जाएंगी? नहीं आने वाली ना, देखेंगे। दबंग 3 तो 4 साल से आ रही है, खा ये दबंग 3, मैं तो ये बोलूंगा दबंग 3 4 साल से आने वाली है। क्रॉस करो फिर बात, 100 करोड़ से कुछ नहीं होता। अगर एक सेकंड तो पता चले, अभी 150 करोड़ कमाया, 150 कितना, 140 करोड़ कमाया थक जब हिंदुस्तान ने 100 करोड़ के ऊपर, बजट कितना 300 करोड़, 100-200 से कुछ नहीं होता है। अगर 50 करोड़ की फिल्म है ना, अगर 100 मैं बोलूँगा 20 करोड़ की फिल्म, ठीक है, अगर 30 करोड़ भी कमा ली थी वो हिट हो जाती है। ऐसा 100-200 से कुछ नहीं होता, कलेक्शन है ना इन लोग फैंस के लिए होता है। एक स्टार को पता है, शाहरुख खान कोई पागल थोड़ी है, उसको पता है ना कितने पैसे लगाने, उसका रिकवरी नहीं होगा तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा इतने अगर जब हैरी मेट सेजल फ्लॉप होगी, इतनी बड़ी 200 करोड़ की जीरो कैसे बना सकता है कोई? फिल्म हिट हो रही है, पैसा आ रहा है, तभी बन रहा है। थैंक यू। चलो 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 मैं तो बोलता हूँ हर एक्टर्स फिल्म बनाते हैं फैंस के लिए भी, लेकिन पब्लिकली सबका व्यूज़ लेके बनाना चाहिए। अगर फ़ैन के बेसिस पे ही हर एक मूवी बनाए तो मज़ा नहीं है। सारे फैन क्लब को पता चल जाना चाहिए कि हाँ, अगर मेरा कोई, मैं किसी का फ़ैन हूँ, उसकी पिक्चर आई है, अगर सबको पसंद आ रही तो सबको आनी चाहिए। फ़ैन जाके कितना कुछ भी नहीं कर पाएंगे आज के टाइम पर। ये जो दंगल कमाई थी इतने पैसे 300 करोड़, संजू रणबीर कपूर ने तो बैक टू बैक फ्लॉप दिए थे यार, फिर भी उसने आराम से 300 करोड़ पार कर लिया, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड बना के चला गया। मैटर वो नहीं करता है फ़ैन क्या है फ़ैन नहीं, जबकि अगर ऐसा मैटर करता था तो शायद संजू रणबीर कपूर की कभी हिट जाती ही नहीं। भले वो संजय दत्त की बायोपिक थी बट हिट जाती नहीं थी। मूवी चलनी चाहिए, बननी चाहिए ओवरऑल पब्लिक के लिए, एक फ़ैन के लिए कोई मज़ा नहीं आता कि फ़ैन बेसिस के लिए। फर्स्ट डे बाकी पूरा हफ्ता है, पूरे हफ्ते में देखते हैं क्या कलेक्शन होगा, उसके बाद बात करेंगे।